स्कंद पुराण सुनिए आप लोगों ने, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ पूरा नष्ट हो जाएगा, वहां पर फिर नए बद्रीश का निर्माण होगा जिसको कहते हैं भविष्य बद्री। कौन सा बद्री कहेंगे? भविष्य बद्री, नया बद्रीनाथ का समय, नया बद्रीश का निर्माण। भगवान विष्णु ने शंकर से निवेदन करा आप यहां नहीं रहेंगे। शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारायण, जो भी इस बद्री नारायण में आएगा चने की दाल लेकर आए, चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्री नारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर, बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो एक बार बद्रीनारायण जरूर जाएं और चने की दाल चढ़ाएं। महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।